मालिक के संग मिलाने के लिए, जीवों को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भी आप उनके धराधाम पर वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए, जिया दान से भक्ति लाए हरिश्चंद्र ने। कि महापुरुष अपने ही मौज से जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को भक्ति का सच्चा दान देने के लिए और विष्णु गुरुओं को मिलाने के लिए प्रकट होते हैं, हुए हैं और अब भी हमारे समूह बुलाए। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री द्वार श्री सद्गुरुदेव श्री सत्य पाठ जी महाराज ने जब इस धरा धाम पर अवतार लिया तो माता पिता ने आपके नामकरण और जन्म पत्री के लिए पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी घर पहुंचे और आपके मुख पर दिव्य तेज देखा तो वो देखते ही और इस प्रकार चरणों में झुके कि चरणों से ही निपट गए। उनके पिता श्री ने पूछा, पंडित जी आप ब्राह्मण होकर के बच्चे के चरणों में वो चूम रहे हैं, आपको तो बच्चे की जन्म पत्री उसका भविष्य बताने के लिए बुलाया था पर आप उनके जो है पैरों में वो चूम रहे हैं। तो पंडित जी बोले कि जब ये अपने रूप में प्रकटेंगे मैं क्या सारी सृष्टि ही करूँगा। और इनका भविष्य मैं अपनी छोटी सी जुबान से क्या बतलाऊं, ये तो दुनिया का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, जो इनके दर्शन करेगा उसका लोक और परलोक का भविष्य। और फिर कहा इनके चरण कमलों में जो चक्र चिन्ह हैं वो दर्शाते हैं कि इनके चरणों में खजाने भरे हैं। जब ये अपने रूप में आएंगे तो या तो ये शहंशाह बनेंगे, ऐसे शहंशाह बनेंगे, ऐसे अद्भुत शहंशाह बनेंगे कि अद्वितीय होंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में, और या फिर उच्च कोटि के फकीर, इतने उच्च कोटि के फकीर कि इनके समान भूमंडल पर उसने और कोई नहीं। जो भी इनके चरणों में आएगा वो कभी खाली नहीं लौटेगा। अगर ये शहनशाह बनेंगे तो संसारी धन से भरपूर होकर के जाएगा, और अगर ये उच्च कोटि के संत बने तो भक्ति के धन से भरपूर होकर। आप बाल्यकाल में दो ही प्रकार के खेल खेलते, कभी तो धूली रमाकर एक टीले में बैठते और अपने साथ के बच्चों को बिठा करके भगवान की महिमा का उपदेश देते, परमारथ का उपदेश देते, रूहानियत का उपदेश देते, तो कभी शहनशाहों की तरह विराजमान होते और अपने साथियों को उन्हें जैसे किसी को होम मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर, इस प्रकार उन्हें जो है अलग अलग नियुक्ति करती। एक दिन उनकी बुआ ने ये सारा नज़ारा देख लिया। ये नज़ारा देख करके
उसका जो दिल था, उसका जो रोम रोम था, वो दस दस हो गया। और कहने लगी कि जब आप धूल से भरे हुए होते हैं तब अच्छे नहीं लगते, आप तो शहनशाहों की तरह जब बैठते हैं तब बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो आपने अपने वचनों में फरमाया भोले भाव से कि ना तो हम फकीर बनेंगे और ना शहनशाह बनेंगे, हमको शहनशाही होगी। और आपकी ये वाणी मुख से निकले हुए ये वचन, सहज स्वभाव निकले हुए वचन, और जो पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी वो 3 जुलाई सन 1936 चकौड़ी संताश्रम जैसी कि अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में हमें फरमाया कि चकौड़ी संताश्रम में श्री परमहंस दयाल जी के इस रूहानी विभाग पर श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पाचार्य जी महाराज की आज्ञा से जब श्री परमहंस दयाल जी के 3रे तृतीय अवतार के रूप में विराजमान हुए वाणी सत्य हो गई। और उसी दिन को आज उस दिन 1936 में मनाया गया था, 85 साल के बाद आज के प्रयाग में वही नजारा दिखाई देगा। और उन्होंने केवल दुनिया पर ही नहीं गुरुमुखों के हृदय पर था। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि अथक परिश्रम किया जो ही श्री सिंहासन पर विराजमान हुए, जीव कल्याण के उद्धार के लिए दिन रात कहते हैं कि जहां पर मानव की बुद्धि की पहुंच खत्म होती है वहां से महापुरुषों की दिव्य लीलाओं का आरंभ। अगर हम विचार करें, एक हल्की सी ही दृष्टि डालें तो उनकी क्या मौज होती है, किस प्रकार वो संसार के अंदर कार्य करते हैं। बुद्धि चकित रह जाती है किस प्रकार श्री आनंदपुर धाम जो एक घोर जंगल था उसे बताया, किस प्रकार रेत के टीले को खरीद कर वहां श्री संत नगर को प्रकट किया और कहा पत्थरों में पत्थरों के टीले पर विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम को प्रकट किया जहां बैठकर हम आज उनका आनंद महोत्सव मनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया ये सब किसके लिए किया है, कि जीवों के कल्याण के। जब जब भी अपने समय में महापुरुष इस रूहानी सिंहासन को विराजमान हुए हैं तो जो श्री परमहंस दयाल जी की मौज जीव कल्याण के लिए हुई, जिसके लिए वो स्वयं इस तरह धाम पर अवतरित हुए, तो वो कार्य आप ऐसे ऐसे हो रहे हैं होते हैं कि देख करके सुन करके सोच करके हैरान होते हैं। किस प्रकार श्री प्रयाग धाम में श्री आनंद सरोवर की रचना हुई, श्री प्रयाग शांति भवन की रचना हुई, पूरण धाम हॉस्पिटल की रचना हुई, श्री संतनगर की रचना हुई, बाग बगीचे बने और महापुरुष की रचना करते जा रहे हैं। और किस लिए, ये केवल बाहरी शोभा नहीं है, ये केवल बाहरी धरती की कायाकल्प नहीं है, गुरुमुखों की कायाकल्प है। अब भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार मौज उठती है, देख देख के हैरानी होती है, कब
मौज उठती है, किस धरती पर पहुंचते हैं और उसका काया कल्प करते हैं। अब इसलिए आनंदपुर धाम में श्री सतगुरुदेव महाराज जी की मौज उठी और श्री मंदिरों के पीछे जो बांध बना हुआ है उस पर दृष्टि पड़ी। उसका नाम भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने मुखार में रखा आनंद शांति विहार और उस धरती का कायाकल्प। देखते देखते उसका जो सौंदर्य है वो अद्भुत हो गया। यहाँ श्री दयाल धाम में गुरु जन देख रहे हैं, जो पिछले साल आए हैं, उससे पहले आए हैं या कुछ समय के बाद आए हैं, कि बसंत पालक वाली जगह किस प्रकार की, कितना अद्भुत नज़ारा वहाँ पर बन गया है। और अब पुल के पार की जगह जो है वो अपना सौंदर्य रूप धारण करती जा रही है। इसमें ना जाने कितने गुरुओं की सेवा और भक्ति, महापुरुषों का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जीवों का कल्याण, जीव भक्ति के पथ पर अग्रसर हो, उनका मन माया की ओर से हटकर के भक्ति की ओर लगे, परमात्मा की ओर लगे, तभी तो वो उनसे मिलेगा। जब तक मन माया में फंसा हुआ है तब तक उसकी पहुंच परमात्मा तक। लेकिन साधारण से साधारण जीव भी परमात्मा तक पहुंच जाए, महापुरुष ने ऐसे श्री वचनों में वर्णन हुआ, कबीर आदि साकिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत चबर। कि नाम सत्य है और जगत सत्य। जब जीव ये कब दिखाई देगा, केवल कहने और सुनने से न जगत मिथ्या हो जाता है न नाम सत्य। ये तब होता है जब सुरत शब्द से जुड़कर ही इसकी पहचान। ये नाम और भक्ति का खजाना देने के लिए यहाँ पर आए, जैसे उसने जोशी ने कहा कि इनके चरण कमलों में खजाने भरे हुए हैं, इसीलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पाठचार्य महाराज हमें सदैव यही समझाते थे कि छिन छिन मन गुरु चरण लावे एक पलक, कि हर पल हर क्षण सतगुरु के चरणों से मन को जोड़ोगे तो तुम्हारा जो हृदय है वो भक्ति के खजाने से हमारा मन सतगुरु के चरण का मुख से जुड़ा रहे, इसीलिए ये सारी रचना दी जाए। कभी हम सेवा पर दर्शन करते हैं, कभी हम उनके पावन वचन सुनते हैं, यही जो चितवन है यही हमें उनके चरण का मुख से जुड़ कर देते हैं। जैसे उस दिन परम पावन वचनों में वर्णन आया कि गुरुमुख गुरु जी को गुरुमुख है, जिसे ये सौभाग्य प्राप्त हो गया है महापुरुषों के चरण कमलों में आने का, जिसे सौभाग्य मिल गया है, जिन्हें उनकी संगत मिल गई है, उनके पावन दर्शन मिल गए हैं, उनका जो आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, उसका क्या धर्म है कि सदगुरु का ही चित्वन कर सम्मुख है तो आंखों से दर्शन करे, और अगर सम्मुख नहीं है तो मन। जो इस प्रकार सदगुरु का चित्वन करेगा, जो सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ा रहेगा, वो भक्ति के खजाने से भरपूर हो जाएगा, उसकी आत्मा का कल्याण होगा। जिस हेतु महापुरुष के धरा धाम पर अवतरित हुए, जिस हेतु महापुरुषों ने ये सुंदर श्री आनंद सिंह दरबार रचाया है, जो ये अलौकिक रचना रचाई है, उसका उद्देश्य भी पूर्ण होगा, जीवन हमारा सफल होगा और प्रसन्नता श्री सतगुरुदेव। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब गुरुमुखजन अपने परम इष्ट देव महाप्रभु श्री परम हंसदाता दयाल जी श्री पंचम पाठचार्य जी महाराज ने जो हमारे कल्याण के लिए भक्ति के पांच नियम बनाए हैं, हम जहाँ भी रहें पूर्ण निष्ठा से भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, जैसे कि उनके वचन है श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान
सदा से जो नित करे निश्चय हो करे। और इसके साथ श्री श्री एक द्वार श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक घंटा उन्हें अभ्यास सब गुरुमुखों के लिए के दिन में लगाया कि हर गुरुमुख का जितने भी सद्गुरु का शब्द लिया एक घंटा भजन अभ्यास उसका धर्म है। वो अपने चरण कमलों में बिठा करके जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने नाम का उच्चारण किया, नाम का उच्चारण करके गुरु को उसको भजन की ओर लगा। पर आज जो संसार की अवस्था है इस अवस्था में सुख से रहने के लिए आनंद से रहने के लिए जैसे कहते हैं कि जब डॉक्टर देखता है कि बीमारी बढ़ गई है तो वो दवाई की डोज बढ़ा दे, ऐसे ही इस समय की अवस्था यही वक्त के महापुरुषों की यही महिमा होती है कि वो वक्त को देख करके मार्गदर्शन करते, क्योंकि आज समय ऐसा है जबकि गुरुमुखों को भजन अभ्यास की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसलिए बार बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें हिदायत करते हैं, एक बार भी करो, दो बार भी करो, चार बार भी करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन अभ्यास। अगर इस प्रकार हम सद्गुरु के वचनों को अपने अंतर हृदय में धारण करेंगे, उनके वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, उनकी प्रसन्नता हम पर बनी रहेगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा और हमारा कल्याण होगा, हमारी आत्मा उनके चरण कमलों से सदा लीन रहेगी और सदा लीन आपके समारोह की एक बार फिर से सभी गुरुमुखों को लाभ प्रदान श्री हजूर सदगुरु दादा दयाल जी ने जो महान कृपा कर श्री प्रयागराज ने यह स्वर्णिम अवसर हम सब गुरुमुखों को प्रदान किया है। मैं अपनी ओर से सभी गुरुमुखों की ओर से श्री धर्म कमल जी को धन्यवाद।